हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो लेक्चर्स को आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, और एंजॉय करके क्या करना, सीख रहे होंगे आप। बस ऐसे ही सीखते रहिए। और सबसे पहली बात, यदि किसी ने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सर्च इंजिन में जाके लिखिए मुकेश जन्मा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। टाइटेनियम फेसबुक पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पेज को लाइक करें, ग्रुप बना हुआ है, कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, कई सारे क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं। साथ में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हम बताते हैं, वो स्टार्टिंग के वीडियोस में नहीं आता, बीच में हम स्लाइड डिस्प्ले करते हैं, उसमें कई सारे वर्ड्स दे रखे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लास्ट तक देखें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं, आप और हम, बोलिए लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। टुडे वी गोना स्टडी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड मॉडल। एक ऐसा सेमी मॉडल है जिसके डबल यूजेस हैं, दो जगह काम में आता है। जैसे हमने नीड पढ़ा था, नीड एज ए वर्ब, नीड एज ए मॉडल, वैसे ही अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इधर देखिए, निगाहें सबकी सामने, और वो कंफ्यूज करने वाला मॉडल है डेयर। क्या डेयर मतलब हिम्मत या साहस, लेकिन आप में से कई सारे लोग, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से भी कई सारे लोग इसको शायद पहली बार समझ पाएंगे कि डेयर के दो तरीके से इसको यूज किया जाता है। सुनिएगा ध्यान से, डेयर का जो फर्स्ट यूज है कि डेयर इज यूज्ड एज ए वर्ब। क्या वर्ब मींस, इसकी तीन फॉर्म होती है, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, राइट। और डेयर का जो सेकंड यूज है, इट इज यूज्ड एज ए मॉडल। ओके, डेयर एज ए मॉडल भी काम में आता है, इसीलिए इसको, इसके डबल यूजेस है। तो डेयर एज ए वर्ब, डेयर एज ए मॉडल, दोनों में मीनिंग सेंटेंसेस का एक जैसा ही होता है, हिम्मत या साहस। कई सारे काम करने में हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। यदि कानून के खिलाफ जाना तो उसके लिए हिम्मत और साहस चाहिए, राइट और रॉन्ग। यदि आपको किसी से डॉरी मांगनी, यू नो डॉरी, दहेज, जो शादीशुदा कपल होता है ना, कई बार दहेज मांगा जाता है ना, ये भी एक अन्याय है सोसाइटी के अंदर। तो उसके लिए भी पता नहीं उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, मांग लेते हैं कुछ लोग तो, है ना। तो हिम्मत या साहस के लिए हम डेयर यूज करेंगे, लेकिन दो तरीके से काम में आता है, डेयर एज ए वर्ब, एज ए मॉडल। दोनों स्ट्रक्चर अलग है, यूज आपको वर्ब भी करना है, मॉडल में सिर्फ आपको बता रहा हूं, कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको क्वेश्चन बने और स्पोकन में भी यूज करना चाहो तो आपकी चॉइस है। रेडी? सबसे पहली बात मैं आपसे पूछूंगा, कुछ किस काम में हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, है? पहले छोटे छोटे काम के शुभारंभ करते हैं। यदि किसी के लिए रिस्क लेना है, वो क्या बोलिए, टेक रिस्क। क्या रिस्क लेने के लिए भी इंसान को हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, इजंट इट, सच है ना। तो यदि आपके अंदर है, यस सर, रिस्क लेने की मुझ में हिम्मत है, रिस्क लेने का मुझ में साहस है, मुझ में साहस है, मुझ में हिम्मत है, तो उसके लिए डेयर को एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, बोलिए आई डेयर। लेकिन चूंकि समझना, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि डेयर जब एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं या एक्शन यूज कर रहे हैं, तो उस दो एक्शन या दो वर्ब एक के बाद दूसरा कभी काम में नहीं आ सकता है, यू नो। तो दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए हमने टू इन्फिनिटी पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, राइट। तो मेरे अंदर रिस्क लेने की हिम्मत है, पूरा सेंटेंस आई डेयर टेक रिस्क या आई डेयर टू टेक रिस्क। वेरी नाइस, एक बार फिर से बोले, मेरे अंदर रिस्क लेने की हिम्मत है, साहस से बोलिए आई डेयर टू टेक रिस्क। और भी कोई हिम्मत साहस हो तो बता दीजिए। मैंने अभी कहा था कानून के खिलाफ जाना, वो क्या बोलिए, गो अगेंस्ट लॉ। यदि आपके अंदर हिम्मत है तो बोलो आई डेयर गो अगेंस्ट लॉ या आई डेयर टू गो अगेंस्ट लॉ। जी, मेरे अंदर कानून के खिलाफ जाने की हिम्मत है, साहस है। आपके अंदर है, आई रेस्पेक्ट द लॉ। मेरे अंदर कानून के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है, नहीं है तो बोलो आई डोंट डेयर। मुझ में हिम्मत नहीं है, बोलो आई डोंट डेयर। किसके खिलाफ जाने की, तो आई डोंट डेयर वापस ऐसे वर्ब यूज कर रहे हैं, तो यहां पर भी टू इन्फिनिटी यूज करना पड़ेगा, क्लियर? बोलो आई डोंट डेयर टू गो अगेंस्ट लव। अगेन, वेरी नाइस। और यही क्वेश्चन यदि आपको पूछना है ना, यदि इनसे पूछना है कि क्या आप में कानून के खिलाफ जाने की हिम्मत है, क्या आप में कानून के खिलाफ जाने का साहस है, यदि इनसे पूछना है, तो पूछने का तरीका वही पुराने वाले टॉपिक जो हमने पढ़े हुए, मैं कौन हूं मेरे लिए, और मेरे लिए यू से हिम्मत पूछनी, क्या तुम्हें साहस है, हिम्मत है, तो यू से पूछने के लगे वही पुराना वाला तरीका, यू से पूछना तो बोलिए डू यू, क्या आप में हिम्मत है, तो डू यू के बाद डेयर लगा के बोलिए, पूछिए डू यू, पहले सिंपल बोलिए डू यू डेयर, क्या आप में हिम्मत है, बोलिए डू यू डेयर, क्या आप में साहस है, बोलिए डू यू डेयर।
कानून के खिलाफ जाने के लिए, तो फिर टू इन्फिनिटी यहां पर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि डेयर को आप एज अ वर्ब एज एन एक्शन यूज कर रहे हो. बोलो डू यू डेयर टू गो अगेंस्ट लव. फिर से बोलो. ओके क्या तुम में रिस्क लेने की हिम्मत है. डू यू डेयर टू एक्शन की जगह टेक रिस्क रखे. बोलो एक सवाल बोलो. डू यू डेयर टू टेक रिस्क. फिर से बोलो. क्लियर. अब मैं कुछ और अच्छी वोकैबुलरी देने की कोशिश करूंगा आपको जो कि अमूमन स्टूडेंट्स यूज नहीं करते हैं रूटीन लाइफ में. उनमें से एक अच्छा वोकैब है वॉक ऑन सिंडर. वोकैब बोलो. वोकैब बोलो. वॉक ऑन सिंडर. एवरीवन नोज अबाउट द वॉक बट आई थिंक सिंडर बहुत कम लोग जानते होंगे जो हिंदी मीडियम वाले. सिंडर मतलब बर्निंग कॉल, अंगारे, चलते हुए कोयले पर चलना है. इंडिया में कई सारी जगह आस्था का केंद्र है ना. तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए. किस पे? अंगारे पे चलने का. अंगारे पे चलने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक ऑन सिंडर. बोलो. तो पूछिए इनसे, आप सबसे पूछिए क्या तुम में अंगारों पे चलने की हिम्मत या साहस है. डू यू डेयर टू एक्शन की जगह वॉक ऑन सिंडर उठाकर यहां रख के बोली. वेरी नाइस. बोलो डू यू डेयर टू वॉक ऑन सिंडर. यदि इनके अंदर है तो बोलेंगे यस आई डेयर टू वॉक ऑन सिंडर. ना बाबा ना, जूते खोलते तो हमारे पांव में कंकड़ चुभ जाते हैं. मेरे अंदर हिम्मत नहीं. बोलो आई डोंट डेयर टू वॉक ऑन सिंडर. यहां तक क्लियर है. लेकिन समझे, हम अब तक डेयर को एज ए वर्ब यूज कर रहे थे. अब सेकंड यूज क्या है? इसके लिए मुझे पुराना वाला मॉडल आपको यूज करवाना पड़ेगा एक बार. कैन एक बार यूज करिए. क्या तुम रिस्क ले सकते हो? बोलो कैन यू टेक रिस्क. कैन यू टेक रिस्क. हाँ वैसे तो ले सकता हूँ. बोलो आई कैन टेक रिस्क. नहीं नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता. कैन के साथ नोट लगने से कांट और कैंट याद है. बोलो आई कैंट टेक रिस्क. अब समझना यार मैंने कैन क्यों डाला बीच में, ताकि आप आसानी से समझ पाए जो कमजोर स्टूडेंट से खास करके. कैन एक मॉडल है. यदि आपको डेयर ऐसे मॉडल यूज करना तो जहां जहां कैन आ रहा है उसको किससे रिप्लेस कर दें? डेयर से. ठीक है. कैन यू टेक रिस्क मतलब क्या तुम रिस्क ले सकते हो, और कैन हटा के यदि आप यहां पर डेयर लगा सकते हो, डेयर लगा करके सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस बनेगा बोलो डेयर यू टेक रिस्क. इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या निकलता है? वेरी नाइस. बोलो डेयर यू टेक रिस्क. क्लियर है. ऊपर हमने बनाया था डू यू डेयर टू टेक रिस्क, उसका अर्थ भी हिंदी में ये होता है क्या तुम्हें रिस्क लेने की हिम्मत है या साहस है. यहां डेयर को एज ए मॉडल यूज कर रहे हैं तो डेयर यू टेक रिस्क का मीनिंग यही होता है क्या तुम्हें हिम्मत है साहस है रिस्क लेने का. क्लियर. मैं रिस्क ले सकता हूं तो आई कैन टेक रिस्क, मुझ में हिम्मत है तो कैन हटा के उसकी जगह डेयर लगा दो. बोलो आई डेयर टू टेक रिस्क या आई डेयर टेक रिस्क. टू नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां डेयर मॉडल है. ऊपर तो वर्ब था, वर्ब को वर्ब से जोड़ने के लिए टू इन्फिनिटी कंपल्सरी था. लेकिन यहां पे मॉडल को जब आप ऐसे डेयर को ऐसे मॉडल यूज करें तो मॉडल के बाद टू इन्फिनिटी नहीं आता, डायरेक्ट एक्शन आता. क्लियर है. मुझ में मैं रिस्क नहीं ले सकता तो आई कैंट टेक रिस्क, मुझ में हिम्मत नहीं रिस्क लेने. तो कैन के साथ नोट लगने से जैसे कैंट बनता है वैसे ही डेयर के साथ भी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है. डेयर के साथ भी आप नोट लगा सकते हो, उससे बनेगा डेरेंट. बोली आई डेरेंट टेक रिस्क. मुझ में रिस्क लेने की हिम्मत नहीं. वापस बोला आई डेरेंट टेक रिस्क. यहां तक क्लियर है. ठीक है. अब इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको. डिमांड डॉरी. क्या डिमांड डॉरी? बताया था अभी. दहेज मांगना, दहेज की मांग करना है ना. किसी से पूछना कि तुम्हारी शादी हो रही है क्या तुम्हें दहेज मांगने की हिम्मत. दहेज तो पता ना. यस सर. हाँ, दहेज मांगने की हिम्मत है क्या? डेयर को ऐसे मॉडल यूज करना. क्वेश्चन में डेयर यू एक्शन की जगह डिमांड डॉरी यहां रखकर क्वेश्चन पूछिए. वेरी नाइस. डेयर यू डिमांड डॉरी. ये क्या बोलेंगे? हाँ हिम्मत तो है. बोलो आई डेयर डिमांड डॉरी. अरे साहब मुझ में हिम्मत नहीं है, इस केस में ऐसे फंसते हैं. आई डेरेंट डिमांड डॉरी. हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. यहाँ पे ग्रामर का एक पॉइंट समझना. ग्रामर ये कहती है कि वेन यू यूज देयर एज ए मॉडल तो उसके दो ही सेंटेंस बनते हैं जैसे नीड की तरह, एक तो इंटरोगेटिव दूसरा नेगेटिव. सुना है सबने? ग्रामर सेज कि जब डेयर को आप एज ए मॉडल यूज कर रहे हो तो उसके अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनता है. सुना है सबने? मतलब यदि आप डेयर को एज ए मॉडल यूज कर रहे हो तो उसके दो ही वाक्य बनते हैं, एक प्रश्नवाचक एक नकारात्मक. अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनता है. क्लियर है? यदि कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ध्यान रखें. कुछ लोग बोलते हैं फिर क्यों यूज करें? नहीं, आपकी चॉइस है. पूरा डेयर एज ए मॉडल यूज करना यूज कीजिए, बाकी ये तो प्रचलन में तो यही है, अधिकतर यही बोला जाता है. राइट ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने समझाया, वापस उसी के ऊपर आ रहा हूं. और काम एक दो सेंटेंस करेंगे ताकि आपका मोमेंटम बने बोलने में आए.
और हिम्मत कहाँ कहाँ चाहिए? यदि आपको क्रेमेटोरियम जाना है, वो क्या बोलिए? गो टू क्रेमेटोरियम. आई होप यू नो द क्रेमेटोरियम, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ट, शमशान घाट. हिम्मत चाहिए उसके लिए भी. पूछिए, क्या तुम्हें हिम्मत है शमशान घाट पे जाने की? ये वाला यूज करेंगे डेयर को एज ए वर्ब. ये तो समझाने के लिए लास्ट में लिख सकते हो. डू यू डेयर टू एक्शन की जगह गो टू क्रेमेटोरियम रख के बोलो. नहीं, स्पष्टता क्लैरिटी नहीं है. बोलो, डू यू डेयर टू गो टू क्रेमेटोरियम? जिसमें है बोलिए आई डेयर टू गो टू क्रेमेटोरियम. जिसमें नहीं है बोले साहब घर पे ठीक है ना, वहां जाने की हिम्मत नहीं, बोलो आई डोंट डेयर टू गो टू क्रेमेटोरियम. तो डेयर को ऐसे वर्ब एज ए मॉडल. डिफरेंस क्लियर है? फॉर्मूला लिखा हुआ है. डेयर का ध्यान रखें कहां कहां पे यूज होता है. ये तो हुआ कि एक डिफरेंस बताने के लिए टॉपिक पढ़ाया है. अब इस टॉपिक के कुछ प्रचलित डायलॉग्स जो आप सीरियल्स में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि अमूमन स्टूडेंट्स की हैबिट में नहीं होता इनको यूज करने का. उनमें क्या क्या है? एक तो आप अक्सर सुनते हो हाउ डेयर यू. क्या? हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई रही है ना. हाउ डेयर यू. अब ये पैटर्न डायलॉग है. कई बार स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि पास्ट के बारे में कोई पूछ रहे हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो सेकंड फॉर्म आना चाहिए. जी नहीं, ये पैटर्न डायलॉग है. इनको एज इट इज यूज किया जाता है. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाउ डेयर यू कम हियर. हाउ डेयर यू कम हियर. मेरे मोबाइल को टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टच माय मोबाइल. हाउ डेयर यू टच माय मोबाइल. हाउ डेयर यू टच माय मोबाइल. ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस आप भी यूज करें. जब भी आपके चीजों के कोई हाथ लगाता है तो आप बोलिए, है ना. एक तो ये प्रचलित डायलॉग है, और दूसरा प्रचलित डायलॉग आपने शायद सुना होगा, आई डेयर यू. क्या? मैं तुम्हें ललकारता हूँ. आई डेयर यू. अमूमन कहाँ होता है? जैसे कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फेंकता है, मैं कुछ नहीं डरता हूँ लड़ाई से, ये नहीं डरता हूँ, तो फिर लोग कहते ना मैं तुम्हें ललकारता हूँ. बोलिए आई डेयर यू. लड़ाई करके दिखा. आई डेयर यू टू फाइट विद हिम. राइट, जैसे होता ना चैलेंज यू, वैसे ये भी कई बार आप देखोगे. देखने से काम नहीं चलेगा, आपको भी यूज करना है ना. थर्ड वाला एक बहुत प्रचलित है, डोंट यू डेयर. क्या? डोंट यू डेयर. ये भी बहुत बार सीरियल्स खत्म भी यही होते हैं, हिम्मत भी मत करना. बोलो डोंट यू डेयर. डोंट यू डेयर. दिखा दूंगा तेरे को, हिम्मत भी मत करना. डोंट यू डेयर. डोंट यू डेयर. ओके, ये प्रचलित डायलॉग्स हैं, इनको भी आप यूज करें. डेयरिंग पर्सन, हिम्मत वाला आदमी. आर यू डेयरिंग पर्सन? बोलिए तो सही. आई एम डेयरिंग पर्सन. डरपोक हो? कावर्ड? आर यू कावर्ड? आई एम नॉट कावर्ड. देन आर यू डेयरिंग? हिम्मत वाले हो तो बोलो आई एम डेयरिंग पर्सन. एक आखिरी एग्जांपल और दूंगा, फिर हम लिखेंगे, स्लाइड लिखवाऊंगा, ताकि आपको और ज्यादा आज बेहतरीन इस स्लाइड में वोकैबुलरी मिल सके, अच्छी वोकैबुलरी आज वाले में. पहले हम लोग यूज करते हैं एक और वोकैबुलरी. अपनी आवाज उठाने के लिए भी हिम्मत चाहिए. बोलो रेज योर वॉइस. क्या? रेज योर वॉइस. क्या आप में आवाज उठाने की हिम्मत है? बोलो डू यू डेयर टू एक्शन की जगह रेज योर वॉइस यहां रखकर पूछिए. वेरी नाइस. बोलिए डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस. किसके खिलाफ? एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, एट्रोसिटी के खिलाफ, है ना, करप्शन के खिलाफ. किसके खिलाफ? बोलिए अगेंस्ट एट्रोसिटी. क्या? यू नो एट्रोसिटी क्या होता है? नो आइडिया? नो आइडिया. हाँ, लोगों पे जो निर्ममता या अत्याचार फैलता है उसको हम बोलते हैं एट्रोसिटी. क्या? तो जब अत्याचार किसी के ऊपर हो रहा है तब हिम्मत चाहिए आवाज उठाने के लिए. तो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना वो क्या? बोलिए रेज योर वॉइस अगेंस्ट एट्रोसिटी. तो किसी से पूछना है क्या तुम में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है? थोड़ा सेंटेंस बड़ा आराम से शांति से बोलो डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट एट्रोसिटी. जी, मेरे अंदर है हिम्मत. बोलिए आई डेयर टू रेज माय वॉइस अगेंस्ट एट्रोसिटी. मुझ में हिम्मत नहीं है. बोलो आई डोंट डेयर टू रेज माय वॉइस अगेंस्ट एट्रोसिटी. तो इतनी अच्छी अच्छी वोकैबुलरी, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं अभी आपको स्लाइड में और दूंगा. आप उन वर्ड्स को ऐसे ही जैसे मैं बुलवा रहा हूं ऐसे बोलकर अभ्यास करेंगे तो वो रूटीन में आएंगे. क्योंकि कई सारे लोग सिर्फ मीनिंग लिखने की आदत बनाते हैं, उससे बोलना नहीं आएगा. आप 4-5 times बोलकर एक्सपीरियंस करोगे तब जाके. तो ये पूरा एक ग्राफ डेयर एज ए वर्ब, डेयर एज ए मॉडल, ये स्लाइड में नहीं, आपको ये यहां से एज इट इज लिखना है. राइट, और मैं अभी स्लाइड लिखवाऊंगा उसके, उसमें इसको, इस फॉर्मूले को यूज करके सेंटेंस को प्रैक्टिस में लाना है. राइट, अब आप सभी के लिए जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं,
ये तो डेयर एज ए मॉडल एज ए वर्ब मैंने समझा दिया है, बट अभी मैं स्लाइड लिखवाऊंगा जो कि स्लाइड से वर्ब के रूप में ही है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। उसके नीचे कई सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स दे रखे हैं, बहुत अच्छी बेहतरीन वोकैबुलरी दे रखी है, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये रही आपकी स्क्रीन पर स्लाइड। इस स्लाइड को आप देखें, ऊपर लिखा हुआ डू यू डेयर टू, आई डेयर टू, दूसरी तरफ डज ही डेयर, ही डेयर्स, नीचे कई सारी वोकैबुलरीज दे रखी, वर्ड्स दे रखे हैं। इन वर्ड्स को लिखें और आप डिक्शनरी से इसका मीनिंग निकालें और इसके ऊपर और ज़्यादा बेहतरीन अभ्यास करें। तो दैट्स ऑल अबाउट द स्लाइड। आप लोग भी स्लाइड में से जो वोकैब है उसको यूज़ करें। आपको यदि डिफिकल्टीज हो तो आप इनको डिक्शनरी में खुद चेक करें और अभ्यास करें, और फिर भी यदि कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब इनको रूटीन में लाना सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअल में है, क्योंकि समझना लिखना इट्स नॉट अ बिग डील। इसको आप जैसे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्लास में, आप भी अपने भाई बहनों को पूछिए कुछ भी, है ना, कि डू यू डेयर टू जंप द रेड लाइट, रेड लाइट जंप करने की हिम्मत है कि आप में, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछिए आप, ताकि ये 6-7-8 सेंटेंसेज आप बोलोगे तो मोमेंटम बनेगा। ओके, और सबसे बड़ी बात, यदि और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा आपका। और अभी इजी इजी टॉपिक्स चल रहे हैं, आप जीडी वगैरह भी स्टार्ट करें, एक कल्चर ऑफ स्पीकिंग डेवलप करें। एक तरफ तो ये टॉपिक वन बाय वन सेंटेंस यूज़ करना, एक लंबे समय तक 10-15 मिनट यदि आप इंग्लिश में बात करते हो, फिर धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाएं, तो जाके आपका कल्चर ऑफ स्पीकिंग चेंज होगा। बाकी जो आप बचपन से बोलते हुए आ रहे हो, अब भी वही बोल रहे हो और आगे भी वही बोलते रहोगे, सिर्फ इस प्रकार के लेक्चर्स आपका नॉलेज बढ़ाएंगे। आपको नॉलेज नहीं बढ़ाना है, यदि इसको इंग्लिश में स्पीकिंग में लाना है तो आप कल्चर चेंज करें, इनको जानबूझकर डेलिब्रेटली यूज़ करने की कोशिश करें, प्रयास करें। राइट, आज के लिए इतने काफ़ी, और कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार रहेगा, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। सो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, देखते रहें, एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन चाओ एंड प्लीज़ टेक केयर।